उत्तर प्रदेश की योगी सरकार स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर तमाम तरह के दावे कर रही है। कोरोना से संक्रमित मरीजों को बचाने के लिए सभी सुविधाएं होने का दावा किया जा रहा, परंतु गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने सभी के दिलों को झकझोर कर रख दिया। वही कि जब खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मेडिकल कॉलेज के अंदर मरीज और उनके परिजनों से हाल पूछा और व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे थे, उसी वक्त मेडिकल कॉलेज के बाहर स्ट्रक्चर न मिलने की वजह से एक भाई अपने कोरोना पीड़ित भाई को कंधे पर रखकर मेडिकल कॉलेज के अंदर इलाज के लिए ले जा रहा था, परंतु लचर व्यवस्था की वजह से उसकी मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक भटहट के ढोरकी मागी का राम बदन साहनी 3 दिन पहले हैदराबाद से घर लौटा था। 2 दिन से उसकी तबीयत खराब थी। परिजनों ने एम्बुलेंस के लिए कई बार फोन किया लेकिन एम्बुलेंस नहीं आई। सोमवार की सुबह छोटे भाई विष्णु ने एक बार फिर एम्बुलेंस बुलाने की कोशिश की लेकिन सफलता नहीं मिली। इस बीच राम बदन की हालत खराब होने लगी, जिसके बाद विष्णु दोस्त की मदद से बड़े भाई को बाइक से ही लेकर बीआरडी के 300 बेड वाले कोविड वार्ड लेकर पहुंच गया। बीआरडी पहुंचते ही राम बदन की हालत काफी गंभीर हो गई। इस दौरान उसने भाई को बचाने के लिए कंधे पर लाद लिया और वार्ड में लेकर चल दिया, लेकिन उसी समय सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाई जिससे उसकी मौत हो गई। बता दें कि 300 बेड का कोविड वार्ड जिस भवन में है उसका पोर्टिको काफी ऊंचाई पर है। एम्बुलेंस तो पोर्टिको तक पहुंच जाती है लेकिन मरीज लेकर बाइक से वहां तक नहीं पहुंचाया जा सकता। ऐसे में वहां स्ट्रक्चर की जरूरत थी लेकिन स्ट्रक्चर मरीज को मिटाने के लिए नहीं मिला। लिहाजा तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह से भाई अपने भाई को कंधे पर लादकर